वाह, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं पहले अपना ढक्कन खोलकर देखना चाहती हूँ। वाह, किंडर सरप्राइज, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी ठीक यही चीज है। कितनी अजीब बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छी बात है यह कि हम दोनों भाग्यशाली हैं। मुझे चॉकलेट अंडे पसंद है। मेरी राय में यह सबसे अच्छी डिजर्ट है। देखो तुम कचरा कहाँ फेंक रही हो सूजी, सभी रैपर मुझ पर उड़ रहे हैं। माफ करना, मैं अपने खाने को देखकर ज्यादा ही खुश हो गई थी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, अंदर कैंडी है, बहुत बढ़िया। उन्हें जल्द से जल्द अपने मुंह में डालना होगा। यार यह कितना स्वादिष्ट है, चॉकलेट के साथ चॉकलेट का सही संयोजन। मुझे और चाहिए। वाह, इस अंडे में गमी कैंडी है, मुझे ये पसंद है। हर बार एक नया सरप्राइज, ये बहुत अच्छा है। अफसोस की बात है कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे सरप्राइजेस भी उतने ही अच्छे होंगे। वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने मजे लेने से मत रोको। वाह चॉकलेट, हर बार सरप्राइज अधिक से अधिक अच्छा होता जा रहा है। तुम क्या देख रही हो, अपने अंडे को खाओ। तुम सही हो, मेरे लिए करने का समय आ गया। यह क्या है, असली कच्चा अंडा? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है इतने से ही हो गया? नहीं, इसे पूरा खाओ। आशा करती हूँ कि कुछ और हो। मैं फिर से अंडे का स्वाद नहीं चखना चाहती। अरे नहीं, फिर से घिनौना, कितना खराब। मुझे अंडे से नफरत है। लगता है किसी की किस्मत उसके साथ नहीं है। देखो मेरे पास और भी चॉकलेट है ना बढ़िया। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम इसे हवा में उछाल सकते हैं और अपने मुंह से पकड़ सकते हैं। देखो कितना आसान है। मुझे भी दो। ओह दर्द हुआ, तुम बस मना कर सकती थी। मुझे चिढ़ाना बंद करो, ये मजाक नहीं है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि सूजी से कैसे बदला लिया जा सकता है। उसे असली अंडा देना होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या दिखाई देती है, ये तुम मान लो। यह क्या है, ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। छी, कितना घिनौना है। मुझे पता है ये तुमने ही किया है। तुमने मुझ पर क्यों थूका सूजी? यह कुछ भी नहीं है, अब तुम खाओ। तुम्हें पता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास एक शानदार योजना है। मेरी राय में यह कॉस्ट्यूम मुझे बहुत सूट करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। मैं स्वादिष्ट फ्राइड अंडे बनाऊंगी, ऐसा कि तुम मुझसे ईर्ष्या करोगी। क्या सुगंध है, बढ़िया है ना? यहाँ से हटो सूजी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम अपनी डिश का स्वाद नहीं चख पाओगी। मैं इसे रोक दूंगी। तुम क्या कर रही हो सूजी? अरे नहीं, अंडे मेरे चेहरे पर गिर गए। और यह रहा हमारा नया खाना। चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं पहले कौन शुरू करेगा। हुर्रे, ये मैं होंगी। वाह, कोक की बोतल, तुम भाग्यशाली हो। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे भी कोका कोला मिला है, कितना अच्छा। मुझे लगता है कि इनमें से एक बोतल चॉकलेट है। कितनी अजीब बात है, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शायद इसे अपने दांतों से काटना चाहिए। वाह, यह चॉकलेट है, मैं लकी हूँ। कितना अच्छा, शायद मेरे पास भी चॉकलेट की बोतल हो। नहीं, यह नियमित कोला है, लेकिन यह इससे भी कम स्वादिष्ट नहीं होगा। पता नहीं मेरे बोतल के अंदर कुछ है भी या नहीं। क्या यह वाकई खाली है? यह सही नहीं है। हुर्रे, इसमें से चॉकलेट निकल रही है। लगता है मेरा सपना सच हो गया। कमाल का स्वाद है, मैं रुक नहीं सकती। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए सूजी, शायद तुम्हें सब साफ कर लेना चाहिए। वाह, मेरे पास अभी भी बहुत सारे चॉकलेट है, मैं ये सब खा सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, मुख्य बात यह है कि मुझे स्वादिष्ट लग रहा है। खैर, मैं किसी भी तरह से अपनी नाक तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। हाँ यह ठीक है, शाबाश सूजी। मैं बोतल के बारे में पूरी तरह से भूल गई। इसे भी खा सकते हैं क्योंकि यह चॉकलेट से बना है। बिल्कुल, यह बहुत स्वादिष्ट है। जब तक मैं पूरा खा नहीं लेती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। कम से कम मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ दो, मुझे यह खाना है। मेरे मुँह से पानी आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट के लिए तो कहना भी मत, मैं यह किसी को नहीं दूंगी। लेकिन हम दोस्त हैं। अच्छा है कि मेरे पास और कोला है। मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम सही हो, क्यों नहीं। देखो अंदर कुछ है। कहाँ पे? वहाँ देखो। मोर, मैंने तुम्हें धोखा दिया सूजी, और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं है, मेरे पास स्टॉक में मेंटोस है। मुझे लगता है ये बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं कि अगर इसे कोक में डालते हैं तो क्या होता है। वाह, देखो वहाँ क्या है।
बस वहाँ से ध्यान मत हटाना, वहाँ कुछ खास है। बस हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सूजी यह क्या हो रहा है? कोला मेरे चेहरे पर उड़कर क्यों आ रहा है? अरे नहीं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जारी रखते हैं, क्यों नहीं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह मिर्च है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम शुरू करो। खैर नहीं, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैंने इसे खाने से मना कर दिया है, तुम शुरू करो। गुड लक। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दोगी तो मैं शुरू करती हूँ। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, ये चॉकलेट है। मैं भाग्यशाली निकली, मैं बेकार में डर रही थी। एक सेकंड रुको, इसका मतलब मेरे पास असली मिर्च है। ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर पाती, ये बहुत छोटी है। खैर, आखिरी टुकड़ा बाकी है। क्या स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे तीखा खाना से नफरत है। तुमने मुझ पर मिर्च क्यों फेंकी? मैं तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, मुझे इसे मत खिलाओ। बस बातें बंद करो और इसे खाओ। चलो, अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सही कह रही हो, इसे जल्द से जल्द खत्म करना बेहतर है। मेरे लिए दुआ करना। वाह, यह बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मुझे यह पसंद है। ध्यान से, तुमने मुझे सीधे माथे पे मारा। अरे नहीं, मुझे तीखापन महसूस हो रहा है। मिर्च ने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है, लगता है इसमें थोड़ा और आग जोड़ना चाहिए। यह लो, ड्रिंक पियो। धन्यवाद, पानी से मुझे राहत मिलेगी। लेकिन ये टबैस्को है, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। मदद करो, मैं अंतरिक्ष में जा रही हूँ। वाह, ये यहाँ सुंदर है, पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वाह, तुम्हारी उड़ान अच्छी हो सूजी। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ, मुझे बचाओ, मुझे चोट लग जाएगी। तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। ओह माफ करना, ये दुर्घटना थी। वाह कितना सुंदर है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारा चॉकलेट फाउंटेन है, क्या तुम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, तुम्हें अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत। समय शुरू हो गया है, गुड लक। सबसे पहले हमें एक एयर ब्रश लेने की जरूरत है, यह उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। तुम अभी तक सोच ही रही हो और हम काफी पहले से भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, देखते हैं मियाँ कैसा कर रही है। बेस तैयार है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ गड़बड़ है। आइडिया, मुझे पता है कि वास्तव में एक सुंदर चित्र कैसे बनाया जाता है, बस एक मार्कर का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या तुमने देखा मैंने कितने अच्छे से कैप को हटा दिया था? बहुत अच्छा आइडिया मियाँ, इस तरह से तो तुम मुझे हरा ही दोगी। यह क्या था, जेनिफर क्यों गिरी? मैं बस अपने मार्कर कैप को हटाना चाहती थी। खैर, मियाँ फिर मुझसे एक कदम आगे है, उसने सुंदर फाउंटेन बनाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक साधारण पंख मेरी मदद करेगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह, देखो मेरी ड्राइंग को क्या हो गया। वो पेंट में ढका हुआ है। जेनिफर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? केट, तुम किस पर हंस रही हो? यह बहुत मजेदार है। मजेदार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिया, तुमने मुझ पर पेंट क्यों छिड़का? यह वाकई मजेदार है। और अगर तुम्हारी ड्राइंग पर भी पेंट छिड़क दे तो और भी मजेदार होगा। जेनिफर, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि समय खत्म हो गया है। तुम बहुत लकी हो। तो चलो देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। मिया ने मेरी ड्राइंग बर्बाद कर दी, मुझे पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा काम भी सबसे अच्छा नहीं होगा, सब जेनिफर की वजह से है। लड़कियों, तुमने मुझे निराश कर दिया, यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। सच कहो तो यहाँ चुनाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेनिफर, तुम जीत गई, फाउंटेन तुम्हारा हुआ। वाह कितना बड़ा है, मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों। मैं काफी समय से इस चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई करना चाहती थी और अब मेरा सपना सच हो गया है। हमें बस बैठकर यह नहीं देखना चाहिए, उसे चॉकलेट चुरानी होगी। चलो इससे पहले कि वो खुद सब कुछ पी ले। एक शानदार विचार है मियाँ।
स्वादिष्ट। अरे मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? हमने सोचा कि हमें भी तुमसे थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरस्कार प्रस्तुत करती हूँ, है ना ये बहुत प्यारा? अरे हाँ बहुत प्यारी है, इधर आओ दोस्त। अरे वाह क्या सरप्राइज है। क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा? मिया तुम बहुत स्मार्ट हो, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वास्तव में इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसके अलावा मुझे लगता है कि आसान होगा। खैर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुंह से ड्राइंग करने से कहीं बेहतर है अपने पैरों से ड्रॉ करना। यह गंध कहाँ से आ रही है? छी मिया, बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया है, अब ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। यह बकवास न मिलने की मेरी संभावना हर सेकंड बढ़ रही है। ओह मिया तो ड्राइंग शुरू भी कर चुकी है, और मैं अभी तक पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हुर्रे आखिरकार हो गया, मैं जीत के बहुत करीब हूँ, चलो शुरू करती हूँ। ओह मेरा मार्कर खो गया, वो कहाँ है? अब मैं कैसे ड्राइंग करूँगी? मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए। ठीक है दूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ। ओह फिर से मैं नहीं कर पा रही। वाह मिया का लगभग हो गया, समय समाप्त हो रहा है, रुको अपना काम दिखाओ। अरे नहीं मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था, और मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हूँ, शायद आपको ये पसंद आए। ये बस ऐसे ही है, चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा किया। क्या समय हुआ है? ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा सो गई थी। ओ दिखाने का समय हो गया है, यह सही नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, केट हार गई। अरे नहीं गलती मेरी नहीं थी, मिया की वजह से मैं बेहोश थी। क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा? ओह ये कितना घिनौना लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अपने मुंह में डालूं। मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ। ओह कितना मीठा है, ये चॉकलेट पेस्ट है, मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट, लाजवाब। छी तुम ये क्या कर रही हो? बस करो, हमें देख कर घिन आ रही है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। ओ, मुझे उल्टी आ रही है। छी, शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो? नहीं। हेलो। और यह रही एक और प्यारी। वाह कितनी सुंदर बिल्ली है, बहुत प्यारी। बैठ जाओ बेबी, जब तक लड़कियां अपना काम कर रही है हमें इंतजार करना होगा। वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेहरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ। यह प्यारी बिल्ली मेरी होगी, बस तुम देखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे लगता है कैट मेकअप मुझ पर बहुत सूट करेगा, ये सफेद पेंसिल तो बेकार था, इसके बदले में नीला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखो कितना चमकीला है, बिल्कुल जैसा चाहिए। चलो अब आँख की ओर ध्यान देते हैं। वाह तुम वास्तव में अच्छा कर रही हो, आशा करती हूँ कि ड्राइंग मुझ पर भी अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलैक्स, मैं आईने में देखकर ड्रॉ करूंगी। इससे कितना आसान हो गया, अब मुझे निश्चित रूप से कोई हरा नहीं पाएगा। वाह मैंने लगभग अपनी ड्राइंग पूरी कर ली है। जेनिफर तुम्हारा क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर वास्तव में मुझे यह प्रक्रिया पसंद है, और मुझे भी। क्यों पसंद नहीं होगा? तुम आईने में देखकर कर रही हो, यह सही नहीं है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो क्या हो रहा है, यह सही नहीं है। हाँ वो तो है, हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े। केट तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, माफ करना। नहीं ऐसा मत करो, रुको मिया प्लीज, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी। पर अब तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी। ऐसा लग रहा है कि मिया अभी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त है, मुझे ये पसंद नहीं है। हे मिया क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अब हम इसे ठीक करेंगे। ये क्या हो रहा है, क्या कर रही थी? तो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? हाँ बहुत बेहतर, बिल्कुल अलग। मैं देख रही हूँ कि सभी तैयार है, ये बढ़िया है क्योंकि समय अभी समाप्त हुआ है। बेबी इधर मत देखो, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है।
और मेरा कैसा है? यह और भी बुरा है। क्या सच में? पर यह सब जेनिफर ने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जेनिफर जीत गई है। अच्छा तो उसके पास जाओ। हुर्रे, मैं जीत गई। मेरी प्यारी बिल्ली इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सहलाऊंगी। ओह, मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? लगता है जेनिफर को बिल्ली के फर से एलर्जी है। ये अच्छा ही है, हम ये प्यारी बिल्ली को ले सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाओ थोड़ा आराम कर लो। वाह, इतने सारे सॉस। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें किससे ड्रॉ करना है, और अब समय आ गया तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है। ओ, बड़ी कच्ची मछली। मुझे नहीं लगता कोई इसे पाना चाहता है। तुम सबको इसे ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे सामने सॉस है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम अकेली नहीं हो मिया। यह क्या हो रहा है? जेनिफर, यहाँ देखो, तुम मेरे चेहरे पर कचरा फेंक रही हो। ओह, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ऐसे होगा। ये बहुत बुरा है। आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परेशान नहीं करेगा। यह ड्राइंग करने का समय है। चलो देखिए कि यहाँ क्या है। हाँ, केचप। बहुत अच्छा लग रहा है। यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है। शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और मुझे तो पीला ज्यादा पसंद है। मैं इसके साथ शुरू करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल जैसा होना चाहिए। वैसे इन्हें बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अफसोस, सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे कोई और लेना होगा। यह मस्टर्ड एकदम सही रहेगा। थोड़ा अलग शेड है, लेकिन मुझे यह पसंद है। और मैं बीच में केचप डालूंगी। बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन। कोई यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है। वाह, मिया की ड्राइंग लगभग तैयार है। हाँ, मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है, बस फिनिशिंग टच। लगता है मैं पीछे हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। मैं जानती हूँ, मैं एक ही बार में सभी सॉस के साथ पेंट करूंगी, इससे मेरा समय बचेगा। लेकिन वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा। बहुत स्वादिष्ट है। रुकना नामुमकिन है। मुझे और सॉस चाहिए। मुझे बहुत खाने का मन है। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? अपने आप पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा हो गया। अरे नहीं, सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीक ऊपर गिर गए। यह बुरा हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। ओह, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। बस रुक जाओ। स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। मिया की ड्राइंग बहुत सुंदर है। मैं पक्का हार जाऊंगी। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। माफ करना, मेरी ड्राइंग पर सॉस गिर गया था। जबकि कोई देख नहीं रहा है, चित्रों को जल्दी से बदल लेना चाहिए। आओ देखें कि दूसरों के पास क्या है। ये मेरी मछली है। क्या यह वाकई खूबसूरत है? अब इसके बारे में क्या कहूँ। आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये एक सादा कागज है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा दिया गया है। जेनिफर ने चित्रों को अदला बदली की है। अब यह साबित नहीं हो सकता, तो तुम्हें मछली खानी पड़ेगी। मिया, अपने खाने का मजा लो। मुझे ये गंध पसंद नहीं है। भयानक बदबू आ रही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। क्या होगा अगर इस मछली को पकाते हैं? मुझे लगता है कि तब और भी स्वादिष्ट होगा। यह पता चला कि बर्नर को संभालना इतना आसान नहीं है। माफ करना जेनिफर, यह गलती से हो गया। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें वह मिला जिसकी तुम हकदार थी। अब बातें बहुत हो गई। चलो मेरी मछली को ठीक से पकाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे ना नहीं कहूंगी। अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। अब देर हो गई है। तुमने इस मछली को मुझ तक पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किया। कितना मुलायम। यहाँ कौन नॉक कर रहा है? मैं खोलती हूँ। हेलो हेलो, लो पैसे लो। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, बॉक्स कितना भारी है। ये तुम्हारे साथ क्या है दोस्त? देखते हैं। आहा, ये इसमें सब सामान है जिससे ड्रीम बेड बनाया जा सके।
वहाँ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी है। चलो इसे जल्दी से फर्श पर रखते हैं। वह क्या कर रही है? ओह, उसने तो पूरी तरह से बॉक्स में गोता लगा दिया। बहुत बढ़िया। ओह, यह कितना बड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा सामान और अब इंस्ट्रूमेंट्स। ओह, चोट लग गई। तो चलो अब इस बॉक्स को हटा देते हैं। ये रास्ते में आ रहा है। अब वो क्या करने वाली है? बिल्डर मैरी, काम पर लग जाओ। तो हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ इसे। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह जल्द ही बहुत ही सुंदर लगेगा। हाँ, मैं जनजात बिल्डर हूँ। अरे बंग बेड, मैंने हमेशा ऐसे बेड का सपना देखा है। कितना आरामदायक। अब उसका बिस्तर तो मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं भी अपने बेड को बेहतर बनाऊंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, इसे जल्दी लाओ। हो गया मिस। वाह, कितना सुंदर है। थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, कुछ लाइट भी लगाते हैं। घर को और भी अच्छा बनाने के लिए एक सुंदर पिक्चर भी लगाते हैं। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये कितना अच्छा बन गया, विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी लार पोछो रूममेट। तो अब सबसे अच्छा बेड कौन सा है? ओह, चोट लग गई। और रूममेट वहाँ क्या कर रही है? अरे तुम क्यों झांक रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। हाँ, प्रॉप्स लेंगे। उदाहरण के लिए ये पर्दे बहुत अच्छे हैं। और ये टेबल क्लॉथ भी काम आएगा। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास फैंटेसी है। बढ़िया, जेनिफर से खराब नहीं लग रहा है। अरे मैरी, तुम इंस्ट्रूमेंट्स क्यों फेंक रही हो? अरे तुम्हें पर्दे कहाँ से मिले? और अब टेबल क्लॉथ का गेम होगा, इसे एक अच्छा सा झूला बन जाएगा। वाह, ये बहुत आरामदायक है। इसमें आराम करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, इससे मैरी को जलन होगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। हेलो मिस, ये रहा आपका ऑर्डर। चलो जल्दी से इसे फिक्स कर दो। यहाँ और यहाँ, प्लीज जल्दी करो। हाँ मिस, सब कुछ तैयार है। ये अपने पैसे ले लो। धन्यवाद, बाय। हेलो, मैं तुम सबको अपने कमरे में पार्टी के लिए बुला रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे शानदार घर को देखो। वाह, कमाल है जेनिफर, यह तो सुपर आरामदायक है। हम यहाँ पर्सनल पार्टी कर रहे हैं, किसी को अभी अंदर आना मना है। अब मस्ती करने का समय है। ओह, मेरे पास भी एक शानदार आइडिया है, काम पर लगती हूँ। हाँ, ये टेबल क्लॉथ और अब कटलरी और मेरे अच्छे वफादार दोस्त। हाँ, मेरी दोस्त क्या कर रही है? चलो म्यूजिक जोर से बजाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए कैसा है मैरी? खैर, यह बात है। अब गंभीर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। सिक्योरिटी, हाँ हाँ, मैं अपने कमरे में जोर से शोर के बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए आया है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ आओ, मैं अब सब कुछ दिखाती हूँ। वे यहाँ है, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। हम अभी सब ठीक करते हैं मिस। यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? हमें आपके बारे में शिकायतें मिली है मिस। मुझे लगता है मैं समस्या का उपाय जानती हूँ। ये लो। ओह, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बाय मिस। अरे यह क्या है? अच्छा,
एक और आइडिया है। यहाँ मेरे पास क्या है? एक चमकता हुआ ग्लोब। अब हम ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं। दिलचस्प होगा। अब हम डिस्क के टुकड़ों को लेते हैं और इसे ग्लोब पर पेस्ट करेंगे। यह बहुत अच्छा तैयार होगा। इसे अच्छे से गोंद से चिपका देती हूँ। कितना सुंदर! अब एक डिस्को बॉल तैयार हो गया और अब पार्टी का माहौल हमेशा मेरे साथ है। और जो डिस्क बच जाएंगे उसे दीवार को डेकोरेट कर लेंगे। बहुत अच्छा, अब मेरा कमरा चमक रहा है। और अब म्यूजिक स्टार्ट करने का समय है। हाँ, जोर से दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है। वहाँ क्या हो रहा है? ओ वाह, चलो मेरी के घर चलते हैं। हेलो, हम देखने आए कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है और क्या सोच सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बॉक्स है लैंप्स के साथ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। एक माला तैयार है, बस इसे अच्छे से लगा देती हूँ। वह क्या कर रही है? ओह, कितना अच्छा। मेरे पास कितना शानदार कमरा है। बस इतना ही, रुको मैरी, जल्दी इधर आओ। आइए, जल्दी से आइए। मुझे यहाँ चमकने के लिए सब कुछ चाहिए। मेरे रूममेट से खराब नहीं। हाँ हाँ, यही जो मुझे चाहिए, ये अच्छा है। हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है। ये लो तुम्हारा पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वाह, कितना अच्छा है। ओ जेनिफर, आग लग गई है। ओ, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। मैं इसे सब जल्दी से बुझा दूंगी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल में है। ओह, चलो सब ठीक हो गया। लेकिन मेरा घर। कोई बात नहीं जेनी, चलो तुम मेरे घर में रह सकती हो। चलो आओ। हाँ देखो, मेरा घर भी अच्छा है ना? हाँ दोस्त, लो मेरे शानदार दोस्तों से मिलो, ये भी बहुत अच्छे हैं।